एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपकी 15 जनवरी से 31 जनवरी तक की रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी इन 15 डेज में, और किन चीज़ों से आप आगे ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और किन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, या आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और हम इस न्यू डेक से डिवाइन गाइड डिवाइन अबंडेंस कार्ड से, ओरेकल कार्ड्स हैं ये न्यू, इनसे हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेज भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके कैप्रिकॉर्न, मैं आपके लिए डिवाइन अबंडेंस ओरेकल डेक से एक मैसेज ले चुकी हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके लिए इन 15 डेज के लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहती है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, क्या है ओवरऑल एनर्जी? प्लेफुलनेस। ओके ओके, क्या आ सकता है आपके लिए? थैंक यू कैप्रिकॉर्न, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, क्या आ सकता है उनके लिए? थैंक यू। ओके ओके, लवर्स, ओके ग्रेट। क्या वाइट करना है? ओके क्या वाइट करना है कैप्रिकॉर्न्स को? थैंक यू, क्या वाइट करना है? ओके बाबा, थैंक यू। Beyond illusions, okay. आपके लिए message भी देख लेते हैं। Surrender, okay. Sometimes learn to surrender can feel as if you're dying. The ego learns what's hardest, to stop trying to control the whole universe. Okay. Great. One card, the logs. Thank you. Okay. Yes. One more card. Thank you. Guidance, okay, great. कैप्रिकॉर्न, आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है वो है प्लेफुलनेस। वो यही बता रहा है कि आप बहुत ही हल्की फुल्की एंड गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत हैप्पी हैं, बहुत ही लाइट एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही हैप्पी भी नज़र आ रहे हैं। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं अपने लाइफ के किसी भी एरिया के लिए। अगर आप देख रहे हैं, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई भी एरिया हो आपका, जो भी फ्रस्ट्रेशंस थी या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई, यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी नज़र आ रही है। आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, और अपने आप को इन मैं कहूँगी इंटेंशन से, इन प्रॉब्लम से अपने आप को मुक्त कर दिया है, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं, और आप उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं जैसे आपको डिवाइन लेकर जा रहे हैं। यहाँ जो प्लेफुल एनर्जी यही नज़र आ रही है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, तनाव मुक्त नज़र आ रहे हैं, और गोइंग विद द फ्लो, सरेंडर की एनर्जी बिल्कुल परफेक्टली मैच्ड। कोई बर्डन नहीं, कोई कुछ नहीं, और ना कोई ईगो है, ना कुछ टेंशन है, कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लाइक इस तरह की एनर्जी है आपकी, बहुत ही हल्की फुल्की, एक फ्रेश, मैं कहूँगी अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ पास्ट में कुछ इश्यूज़ थे, या कहें कि करियर को लेकर के कुछ इश्यूज़ थे, या लाइफ की किसी भी एरिया को, कोई भी सिचुएशन थी, कुछ भी था आपकी लाइफ में, तो आप उन चीज़ों को ख़त्म करके, या मैं कहूँगी एक बहुत ही लाइट विद इट,
तरीके से हंसते खेलते आप एक न्यू स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तभी आपके लिए यहाँ पे जो आ रहा है द लवर्स का कार्ड आया है और कंट्रोल का कार्ड आया है, यही दिखाता है कि वो क्लैरिटी, वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको आपकी इसी एनर्जी से, जो ट्रस्ट आपने अपना डिवाइन पर दिखाया है, जो सरेंडर अपने आप को किया है, जो जिस जो लीप ऑफ फेथ आपने लिया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक रिस्क लेने वाली बात थी आपके लिए, लेकिन वो चीज़ आपने करी अपनी तरफ से और आप उस टेस्ट में जो थे वो क्लियर हुए, पास हुए हैं। तो तभी आपके लिए ये लवर्स की और कंट्रोल की एनर्जी है, वो क्लैरिटी आपको आपके आपके गोल तक, गोल को अचीव करने के लिए, या जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते थे उसके लिए वो क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। और लवर्स का कार्ड यही बता रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। ये बॉन्ड जो है द लवर्स का कार्ड ओशो जेन में आना, ये सिर्फ फिजिकली मूव नहीं दिखाता है, ये डिफरेंट है। ये दिखाता है कि आप एक दूसरे को बहुत डीपली पहचान रहे हैं, जान रहे हैं सोल लेवल तक, समझ रहे हैं मेरी बात। तो वो यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है और इसके साथ ही साथ बियॉन्ड इल्यूजन्स और गाइडेंस यही आपको बताई जा रही हैं। इन चीज़ों को आपने क्या अवॉइड करना है, तह तक जाना है चीज़ों की, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई बेसिकली आपको उसकी तह तक जाना है। गाइडेंस आपको मिलेगी, आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है उसे अवॉइड नहीं कीजिएगा, उसे अवॉइड नहीं करना है, उसे समझने की कोशिश करनी है, ये समझने की कोशिश करनी है कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई, ये इन चीज़ों का मेरे साथ होने का रीज़न क्या था, क्या लेसन्स थे जो मुझे लर्न करने थे। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको सीखनी है क्योंकि आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो उन चीज़ों को गहराई तक आपको समझना है, उनका कोई मतलब था आपकी लाइफ में, क्योंकि चीज़ें यूं ही नहीं हो जाती हैं लाइफ में। जो भी काम, जो भी प्रॉब्लम्स, या मैं कहूँगी जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स या जो भी सिचुएशंस हुई हैं उनका कोई रीज़न है, तो उनकी गहराई तक जाने की आपको कोशिश करनी है और ये चीज़ जानने की कोशिश करना है कि ये हुआ क्यों, मैंने मुझे क्या लेसन लर्न करना था इससे। और जो भी आपको गाइडेंस मिलती है डिवाइन की तरफ से, वो आपको फॉलो करनी है, उसको फॉलो करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है आपको, उसे फॉलो कीजिए, अपने आप को सरेंडर कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। बहुत ही ब्यूटीफुल और ट्रस्ट की एनर्जी है, लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और ये नहीं कहूँगी कि पहले से अभी होगा, ये पहले से चल रहा है, तभी आपकी लाइफ में ये चेंज आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है कैप्रिकॉर्न। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको इससे कोई भी गाइडेंस मिली हो, मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।